गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो लाडली बहनों को मिलने वाले पैसे भी बंद करवा देगी। उन्होंने कहा दतिया ने उड़ान भरी तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हेमा मालिनी तक नचवा दी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की नामांकन रैली का प्रदर्शन शहर की मुख्य सड़कों पर देखने को मिला। नामांकन रैली से पहले ठंडी सड़क पर गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर प्रहार किया और उन्हें धोखेबाज और अपने ही कार्यकर्ता के साथ बदसुलूकी करने वाला बताया। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो लाडली बहनों को मिलने वाले 3,000 रुपए भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने इसका आरोप लगाया तो ये शेर की खाल में ये खलनायक है खलनायक। मेरे दोस्तों कांग्रेस के लिए गया कोई भी वोटर वोट एक भी वोट अगर जाता है अड़ोसी पड़ोसी को समझाना है ये लाडली बहनों के 3,000 रुपया बंद करा देगा। 3,000 रुपया हर बहन को समझाओ हर कार्यकर्ता के घर में ये 3,000 रुपया जो आने वाला है ये बंद कराएगा। ये कांग्रेस आ गई तो ये तुष्टिकरण वालों को आगे बढ़ाएगी। मिश्रा ने कहा अवधेश नायक का मिला हुआ टिकट काटना उनका खुला अपमान है। उन्होंने कहा जब दतिया ने उड़ान भरी तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हेमा मालिनी तक को नचवा दिया। आए दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो कलश यात्रा आई मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।